हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम सीम, आलू और बैंगन से सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, ये आलू कटिंग हो रहा है। ये आलू जो है इस टाइप का कटना है, इसी साइज में आलू को कटना है। आलू कटिंग हो गया, अभी क्या करेंगे, हम सीम को काटेंगे। सीम को भी इसी स्टाइल से काटना है। देखिए, बिल्कुल इसी स्टाइल में सीम को जो है कटिंग करना है। सीम कटिंग हो गया दोस्तों, अब हम बैंगन काटेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, बैंगन एकदम ठीक है कि नहीं। बैंगन एकदम बढ़िया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, कीड़ा नहीं लगा है इसमें। बैंगन को इसी तरह कटिंग करना है। देखिए, बैंगन इस तरीके से काटना है। ये देखिए दोस्तों, ये हम अभी टमाटर और प्याज धो के लेके आ गए। अब इसको इसी तरह काट दिया, टमाटर भी इसी तरह काटना है। अब देखिए, ये सरसों मसाला में हरी मिर्च डाला हुआ है दोस्तों, और मिर्ची डालने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हम सब्जी को धो के एक साथ कर लिए हैं, सीम आलू और बैंगन को। अभी क्या करेंगे, हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। और देखिए, कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अभी तेल डाल रहे हैं, सरसों का ऑयल। तेल गर्म हो गया, अभी क्या करेंगे, इसमें 5 फोड़न सूखी मिर्ची और तेज पत्ता एक साथ डाल देंगे। अभी 5 फोड़न को थोड़ा सा चटकने देंगे। देखिए, अभी क्या करेंगे, कटा हुआ प्याज डाल दिए। अभी क्या करेंगे, अब इसको अच्छी तरह इसमें भूंजेंगे। देखिए, प्याज हमारा भूंज गया। अभी ये क्या किया दोस्तों, हम सरसों मसाला दोस्तों, इसमें हरी मिर्ची, प्याज, अदरक और सरसों डाल के इसको पीसे थे। अभी क्या करेंगे, इसको अभी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सरसों मसाला को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम थोड़ी देर सरसों मसाला को भून देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, जो सब्जी हम काट के रखे थे, अभी वही सब्जी को सरसों मसाला में डाल देंगे। अभी इसमें सब्जी हम डाल दिए, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इस तरीके से सब्जी को मिक्स करना है। अभी इसके ऊपर हम हल्दी, और नमक, ज़रूरत के मुताबिक नमक डालना है। अब थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अभी फिर से उसको मिक्स करेंगे। अभी हम उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम ढक ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। 2 मिनट तक पका देंगे, थोड़ी देर ढक के। 2 मिनट हो गया दोस्तों, अभी हम इसको चेक करेंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे दोबारा से। इसको इस तरीके से चलाते रहना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। सरसों मसाला सब्जी में थोड़ा सा अच्छी तरह अब्जर्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह से बन जाएगा। और क्या करेंगे, इसी में हम पानी डाल देंगे।
आपको जितना ज़रूरत है उतना पानी डालना है, क्योंकि ये सब्जी जो है अभी इसमें पका नहीं है, तो पानी थोड़ा सा डालना पड़ता है ताकि सब्जी हमारा अभी इसी में पकेगा। अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब अभी इसको ढक देंगे दोबारा। अभी फिर चेक करके हम देखेंगे। ये देखिए हमारा सब्जी जो है पक रहा है। अभी उसको इस तरीक़े से मिक्स करना है। अभी सब्जी जो है हमारा पक गया है। अभी क्या करेंगे, इसमें जो टमाटर काट के रखे थे अभी टमाटर को इसमें डाल देंगे। फिर से उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इसको मिक्स करने के बाद हम दोबारा इसको ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद फिर इसको हम चेक करेंगे। टमाटर जैसे गल जाएगा दोस्तों, अभी टमाटर हुआ नहीं है और थोड़ा सा पकेगा। पक गया है दोस्तों। अभी हम इसमें धनिया का पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे। ये हम सब्जी मसाला डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा अभी दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अभी मिक्स करके दोस्तों थोड़ी देर छोड़ दिया हमने। ये देखिए हमारा सब्जी अभी बन के रेडी हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत सब्जी है, बन के रेडी हो गई हमारा। देखिए बड़ा मज़ेदार सब्जी बन के रेडी हो गई। अब इसी तरीके से दोस्तों बना के ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। खा के देखिए कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। बाय बाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ।